वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज अपन क्या पढ़ेंगे? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन क्वालिटीज फिक्सेशन, यानी आज का लेक्चर क्या है, कंटिन्यू रहेगा किसके ऊपर? क्वालिटीज ऑफ फिक्सेशन की, कौन से फिक्सेटिव फ्लूड जो है अपन काम में लेते हैं किसके अंदर? हिस्टोपैथोलॉजी की लैब के अंदर। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले क्या एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो पीछे का लेक्चर किसके ऊपर था? फैक्टर दैट इफेक्टिंग फिक्सेशन। एक तो जो ऐसे फैक्टर जो फिक्सेशन को इफेक्ट करते हैं उनके ऊपर था, और क्या थी? दो फिक्सेटिव थे, दो क्वालिटीज के फिक्सेटिव अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। कौन से? एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा क्या था? एल्कोहल। पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था? फैक्टर दैट इफेक्टिंग फिक्सेशन, कि ऐसे फैक्टर जो किसको इफेक्ट करते हैं? फिक्सेशन प्रोसीजर को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीएच, तो फिक्सेटिव मस्ट बी विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ 4 to 9 पीएच, यानी जो फिक्सेटिव की मोस्टली नॉर्मल रेंज क्या रहती है? 4 से 9, और ज्यादातर क्या रहती है? 7.0, जो कि क्या एक न्यूट्रल पीएच है, यानी उदासीन, जिसपे ना तो कोई सोल्यूशन एसिडिक होता और ना ही क्या है बेसिक होता है, ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता। फोर फिक्सेशन ऑफ अल्ट्रास्पेक्टर पीएच ऑफ फिक्सेटिव फ्लूड शुड बी 7.2 to 7.4। और अगर आप बड़ी स्ट्रक्चर ले रहे हो कोई फिक्सेशन के लिए, तो उसके लिए पीएच क्या रखते हो? 7.2 to 7.4। सीरा ऑस्मोलैरिटी, जिसके अंदर क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गिव राइज टू सिरिंकेज, यानी आपने सॉल्यूशन क्या बना लिया? हाइपरटोनिक बना लिया अगर फिक्सेशन का, यानी क्या है? अति प्रासरी बना लिया, जिसके अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या है? टिश्यू के अंदर जो मटेरियल है उसको बाहर की तरफ ऑब्जर्व कर लेगा, तो जिससे टिश्यू के अंदर क्या आ जाएगी? सॉल्यूशन गिव राइज टू श्रिंकेज, यानी टिश्यू के अंदर क्या आ जाएगी? सिकुड़न आ जाएगी। और एंड इफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन गिव राइज टू स्वेलिंग, और अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना लिया, यानी अलग प्रासरी जिसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है? कम है, तो वो क्या कर देगा? टिश्यू के अंदर स्वेलिंग कोज कर देगा, यानी सूजन कर देगा। टिश्यू क्या कर देगा? उस सॉल्यूशन को खुद अंदर की तरफ ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे टिश्यू के अंदर क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। तो इसलिए सॉल्यूशन कौन सा काम में लेते हैं अपन फिक्सेशन में? आइसोटोनिक, यानी सम प्रासरी, जिसके अंदर ना तो साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और ना ही कम होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर। इफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट इन रैपिड फिक्सेशन, यानी क्या है? अगर फिक्सेशन प्रोसीजर में आप फिक्सेटिव का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो क्या होगा? फिक्सेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। बट वेरी हाई टेम्परेचर कैन कॉज टिश्यू शियरिंग, और आपने क्या है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया टेम्परेचर फिक्सेटिव फ्लूड का, तो वो क्या कर देगा? टिश्यू शियरिंग कर देगा, यानी टिश्यू को जला देगा। नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ टिश्यू, साइज का क्या इफेक्ट है फिक्सेशन प्रोसीजर पे? तो लार्ज द टिश्यू मोर टाइम इट विल बी टेक टू फिक्स, यानी आप फिक्सेटिव जो कंटेंट है, यानी टिश्यू है, बायोलॉजिकल सैंपल बड़ा ले रहे हो फिक्स करने के लिए, तो वो क्या है? ज्यादा टाइम लेगा। नेक्स्ट एजिटेशन, यानी किसी चीज को मिक्स करना। एजिटेशन इंक्रीज द फिक्सेशन रेट ऑफ, बट वेरी हाई एजिटेशन डिक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन, यानी अगर क्या है आप थोड़ी बहुत एजिटेशन करोगे, उसको थोड़ा बहुत मिक्स करोगे किसी चीज से, तो क्या होगा? फिक्सेशन इंक्रीज होगा। और आपने क्या है बहुत ज्यादा एजिटेशन कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से उसको घुमा दिया या घोल दिया, तो क्या होगा? फिक्सेशन की रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फैक्टर कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं? पहला तो पीएच है, दूसरा ऑस्मोलैरिटी है, तीसरा टेम्परेचर है, चौथा साइज, और पांचवा क्या है? एजिटेशन। ये सारे फैक्टर क्या है फिक्सेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ वेरियस फिक्सेटिव, यानी कौन से क्वालिटी के फिक्सेटिव आप फिक्सेशन के प्रोसीजर के अंदर काम में लेते हो। तो पहला जो मोस्टली काम में लिया जाता है लैब में वो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? इट इज ए गैस, मतलब क्या है? वो एक गैस है। इट सोल्यूबल इन वाटर टू एक्सटेंड ऑफ 35 to 40%। दिस सोल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर इज नोन एज फॉर्मेलिन। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड खुद तो एक गैस है और वाटर के अंदर सोल्यूबल है, और अगर आप उसको 35% से 40% तक वाटर के अंदर सोल्यूबल करोगे, मिक्स करोगे फॉर्मेल्डिहाइड को, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? फॉर्मेलिन कहलाएगा। नेक्स्ट, इट इज कॉमनली यूज फॉर्मेलिन बिकॉज इट इज चीप
एज गुड पेनिट्रेशन पावर एंड डू नॉट ओवर हार्डन द टिश्यू. मतलब इट इज कॉमनली यूज फॉर्मेलिन. सबसे ज्यादा क्या है, फॉर्मेलिन को यूज में लिया जाता है बिकॉज क्योंकि इट इज चीप, यानी क्या है, सस्ता है. और क्या है, एज गुड पेनिट्रेशन पावर, यानी इसकी टिश्यू के अंदर जाने की जो पावर है, उसको फिक्स करने की जो पावर है, वो क्या है, अच्छी है. और एंड डू नॉट ओवर हार्डन द टिश्यू, यानी टिश्यू को ये ज्यादा टफ भी नहीं बनाता, उसकी स्ट्रक्चर को हार्ड नहीं करता है. नेक्स्ट, इट प्रिजर्व प्रोटीन एंड अदर म्यूको सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म. और ये क्या है, प्रोटीन और अदर म्यूको सब्सटेंस है जो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, या फिर कोई न्यूक्लिक एसिड है टिश्यू के अंदर, उसको क्या है, अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है. कौन सी मैकेनिज्म से, क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म से, यानी उसके अंदर वो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेता है प्रोटीन के साथ या अदर म्यूको सब्सटेंस के साथ, जिससे उसको नेचुरल कंडीशन में प्रिजर्व रखता है, बचाए रखता है. ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग फॉर्मेलिन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड, सो इट न्यूट्रलाइज बाय एडिंग CaCO3, यानी कैल्सियम कार्बोनेट. अगर आप क्या है, लंबे समय तक फॉर्मेलिन को रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड बना लेगा. सो इट इज न्यूट्रलाइज बाय, और अगर फॉर्मिक एसिड को आप उदासीन करना चाहो तो किससे उदासीन कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को उसमें ऐड करके. फॉर्मिक एसिड, और दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर्मिक एसिड गिव्स ब्राउन पिगमेंट टू द टिश्यू टू रिमूव दिस पिगमेंट. यानी अगर वो फॉर्मिक एसिड में ही है, आपने चेंज नहीं किया, तो वो क्या करेगा, ब्राउन कलर के पिगमेंट प्रोड्यूस कर देगा किसके ऊपर, टिश्यू के ऊपर. दिस पिगमेंट या दिस पिगमेंट पिक्रिक एसिड और एल्कोहल में भी यूज, और फॉर रिमूव दिस पिगमेंट, यानी इन पिगमेंट्स को रिमूव करने के लिए आप एक तो पिक्रिक एल्कोहल काम में ले सकते हो, या फिर सैचुरेटेड एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड भी इन पिगमेंट्स को रिमूव करने के लिए काम में ले सकते हो. नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियली अवेलेबल फॉर्मेलिन बिकॉज क्लाउडी ऑन स्टैंडिंग. यानी जो क्या है, अपन बाजार से फॉर्मेलिन लेते हो प्रिपेयर, वो कैसी हो जाती है, थोड़ी क्लाउडी हो जाती है, यानी धुंधली हो जाती है. दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पैरा फॉर्मेल्डिहाइड. और ये इसका धुंधलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, कि पैरा फॉर्मेल्डिहाइड का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एक अवक्षेप बन जाता है, विच कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन बिफोर यूज. और ये क्या है, आप रिमूव कर सकते हो किस तरीके से, फिल्टर करके उसको, फॉर्मेलिन को. फॉर्मेल्डिहाइड ऑन प्रोचेंज एक्सपोजर कॉज इरिटेशन इन आई, नेजल मिकोसा एंड डर्मेटाइटिस. यानी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर फॉर्म क्या है, चेंज हो जाती है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉर्मिक एसिड में, और अपन ध्यान नहीं देते, तो वो क्या कर सकता है, कि अपनी आंखों के अंदर इरिटेशन कर सकता है, या फिर नेजल के अंदर इरिटेशन कर सकता है, या फिर क्या है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कर सकता है, यानी डर्मेटाइटिस कर सकता है. नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन के लिए कितना टाइम चाहिए अगर फॉर्मेल्डिहाइड आप काम में ले रहे हो, यानी फॉर्मेलिन काम में ले रहे हो. लार्ज बायोप्सी एट रूम टेम्परेचर, अगर क्या है आप रूम के टेम्परेचर पे बड़े बायोप्सी सैंपल को फिक्स कर रहे हो, तो कितना टाइम लेगा वो, 12 आवर, यानी 12 घंटे. और स्मॉल बायोप्सी के लिए कितना टाइम लेगा रूम टेम्परेचर के लिए, 4 to 6 आवर, यानी 4 से 6 घंटे. और टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा, एट 65 डिग्री, यानी 65 डिग्री के ऊपर अगर फिक्सेशन करते हो, तो वो कितनी देर में हो जाएगा, फिक्सेशन अकरिंग 2 आवर, यानी फिक्सेशन कितने घंटे में हो जाएगा, टोटल 2 घंटे में ही. दूसरा फिक्सेटिव क्या है, एल्कोहल के अलावा अगर आप काम में लेना चाहो, तो एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल. एल्कोहल इज नॉट ए रूटीन हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव बट ए वैल्यूएबल साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव. यानी एल्कोहल क्या है, रूटीनली अपन हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में टिश्यू को फिक्स करने के लिए काम में नहीं ले सकते, नहीं लेते हैं, बट लेकिन क्या है, ए वैल्यूएबल, यानी अच्छा क्या है, लाभदायक क्या है, फिक्सेटिव है किसके लिए, साइटोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी एक सेल की इन्वेस्टिगेशन के लिए एल्कोहल क्या है, एक अच्छा फिक्सेटिव है. नेक्स्ट, इन हिस्टोपैथोलॉजी इट इज यूज इन ए कॉम्बिनेशन विद अदर सब्सटेंस. और अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में काम में लेना चाहते हो इसको, तो क्या है, ये दूसरे सॉल्यूशन के साथ कंबाइंड करके इसको काम में लोगे, तो ये क्या है, एक अच्छा फिक्सेटिव है, सीधे काम में नहीं लेते हिस्टोपैथोलॉजी की लैब. थर्ड क्या है, इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कॉजिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट सिलिकेट ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड एसिडिक नेचर. यानी क्या है, ये प्रोटीन की सोल्युबिलिटी क्या है, रिड्यूस कर देता है,
और उसको डीनेचुरेशन कर देता है, यानी उसकी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर देता है। एंड इट सिलिक, यानी सिलिक का मतलब है जल्दी गेट ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड और एसिटिक नेचर। और ये क्या है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में, या उसका नेचर चेंज हो जाता है, कैसा हो जाता है, एसिटिक नेचर। इसलिए क्या है, इसको जल्दी से हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में काम में नहीं लेते। नेक्स्ट, इट हैज ए पुअर पेनिट्रेशन पावर बट इट्स गुड इन कॉम्बिनेशन विद अदर फिक्सेटिव। और इसकी खुद की जो पेनिट्रेशन पावर है यानी विभेदने की जो क्षमता है वो क्या है, कम है, यानी पुअर है, यानी बहुत कम है। बट इट्स गुड कॉम्बिनेशन विद अदर फिक्सेटिव, और अगर आप क्या है इसको दूसरे फिक्सेटिव के साथ काम मिले वो लोगे तो इसकी जो क्या है फिक्सेशन करने की जो पावर है वो क्या है, बहुत अच्छी हो जाएगी। इट हार्डनेस एंड श्रिंक द टिश्यू, यानी ये क्या है, जो एल्कोहल है फिक्सेटिव वो क्या टिश्यू को थोड़ा हार्ड कर देता है और उसमें श्रिंकेज कोज कर देता है, यानी उसमें सिकुड़न कोज कर देता है। नेक्स्ट, इट इज ए सॉल्वेंट फॉर फैट, हेंस फैट कैन नॉट बी डिमोन्स्ट्रेटिव विद एल्कोहल फिक्सेशन, यानी ये क्या है, फैट में घुलनशील है और इसीलिए क्या है फैट की स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर सकता, नहीं करता, और एल्कोहल क्या है फिक्सेशन कर सकता है फैट को। तो आपने पिछले लेक्चर में क्या है दो फिक्सेटिव पढ़े थे, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, दूसरा क्या है एल्कोहल, जिसको हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन काम में नहीं लेते। आज की लेक्चर में कौन सा फिक्सेटिव कंटेंट पढ़ेंगे अपन, मर्क्यूरी क्लोराइड यानी MgCl2। तो उसके अंदर क्या है, इट इज गुड फिक्सेटिव बट रेयरली यूज अलोन बिकॉज इट कॉज श्रिंकेज टू द टिश्यू, यानी क्या है यह, इट इज गुड फिक्सेटिव, यह क्या है एक अच्छा फिक्सेटिव फ्लूड है बट रेयरली यूज, यानी बहुत कम काम में लिया जाता है अलोन अकेला, बिकॉज इट कॉज, यानी यह क्या कॉज कर देता है, क्या कर सकता है, श्रिंकेज ऑफ द टिश्यू, यानी टिश्यू के अंदर सिकुड़न पैदा कर देता है। नेक्स्ट, इट आल्सो कॉज प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव यूजिंग पोटेशियम आयोडीन बिफोर स्टेनिंग। इट आल्सो कॉज प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन, ये क्या है प्रोटीन का अवक्षय बना सकता है, यानी बना देता है कई बार, विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूविंग, जिसको रिमूव करने के लिए आप क्या काम में लेते हो, कौन सी चीज यूज लेते हो, पोटेशियम आयोडीन, और काम में कब लेते हो, बिफोर स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग से पहले काम में लेते हो, यानी यह क्या है प्रोटीन का प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसको रिमूव करने के लिए आप पोटेशियम आयोडीन को काम में लेते हो स्टेनिंग से पहले। थर्ड लाइन में क्या है, इट पेनिट्रेट्स रैपिडली विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लिपिड, ये क्या है जल्दी फिक्स करता है टिश्यू को, और क्या करता है बिना किसी नुकसान के लिपिड्स के, लिपिड्स की स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करता। नेक्स्ट, इफ नाइदर फिक्स और नॉर डिस्ट्रॉय कार्बोहाइड्रेट, हेंस ए फिक्सेटिव चॉइस फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी ये ना तो कार्बोहाइड्रेट को फिक्स करता है ना ही क्या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए क्या है अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को छोड़ना हो तो ये क्या है एक चॉइस वाला फिक्सेटिव है, उसके लिए आप इसको काम में ले सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट को नेचुरल कंडीशन में रखना चाहो या फिर उसको छोड़ना चाहो तो। नेक्स्ट, शुरू से देखिए, इट इज गुड फिक्सेटिव बट रेयरली यूज अलोन बिकॉज इट कॉज श्रिंकेज ऑफ द टिश्यू, यानी ये क्या है एक अच्छा फिक्सेटिव फ्लूड है, अकेले इसको आप काम में नहीं ले सकते और ये क्या है टिश्यू में श्रिंकेज कोज कर देगा अगर अकेला काम में लेते हो। नेक्स्ट, इट आल्सो कॉज प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव यूजिंग पोटेशियम आयोडीन बिफोर स्टेनिंग। सेकेंड लाइन में क्या है, ये क्या है प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट बना देता है यानी अवक्षेप बना देता है, उसको रिमूव करने के लिए आप क्या काम में लेते हो पोटेशियम आयोडीन को काम में लेते हो स्टेनिंग से पहले। थर्ड लाइन में क्या है, इट पेनिट्रेट रैपिडली विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लिपिड, ये क्या है टिश्यू को बहुत जल्दी फिक्स करता है यानी उसको विभेदने की जो पावर है पेनिट्रेशन की जो पावर है वो क्या है अच्छी है, जल्दी फिक्स करता है उसको, और विदाउट यानी बिना किसी नुकसान के डिस्ट्रॉइंग द लिपिड यानी लिपिड की स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए हुए। नेक्स्ट, इट नाइदर फिक्स और नॉर डिस्ट्रॉय कार्बोहाइड्रेट, ना तो ये कार्बोहाइड्रेट को फिक्स करता है ना ही उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर को डैमेज करता है डिस्ट्रॉय करता है, और ए फिक्सेटिव चॉइस फॉर कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए क्या है लिपिड और आप प्रोटीन्स को ओनली दो ही कंपोनेंट को फिक्स करना चाहते हो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के, तो ये क्या है एक अच्छी चॉइस है।
क्या है? इट कॉज टिश्यू फिक्स मर्करी क्लोराइड में कंटेन ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ मर्करी, यानी अगर आप क्या है मर्करी क्लोराइड फिक्सेटिव काम में लेते हो टिश्यू को फिक्स करने के लिए, तो वो क्या है ब्लैक प्रेसिपिटेट कॉज करता है। रीजन क्या है? उसका मर्करी कंटेंट है। देयर आर देन रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग टू द टिश्यू विद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन इन 70% एथेनॉल 4-5 to 10% एंड देन रिंस विद वाटर। यानी क्या है, अगर उस प्रेसिपिटेट को रिमूव करना चाहते हो आप टिश्यू के ऊपर से ब्लैक प्रेसिपिटेट को, तो आप टिश्यू को किसके अंदर डालोगे? 5% सॉल्यूशन आयोडीन इन 70% एथेनॉल के अंदर, और कितने मिनट के लिए? 5 से 10 मिनट के लिए। और बाद में क्या करोगे, जब सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद उसके जो पिगमेंट है ब्लैक प्रेसिपिटेट है वो रिमूव हो जाए, तब उसको वाटर के अंदर वॉश कर लोगे। नेक्स्ट, द कलर ड्यू टू आयोडीन इज डीकोलराइज्ड विद 5% सोडियम थियोसल्फेट सॉल्यूशन 4-5 मिनट एंड वॉश इन रनिंग वाटर। और क्या है, आपने मर्करी का ब्लैक कलर तो रिमूव कर लिया, लेकिन क्या है आयोडीन के कारण अगर टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा कोई कलर आता है तो उसको डीकोलराइज कर सकते हो आप किसके साथ? 5% सोडियम थियोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ, जिसके अंदर आप 5 मिनट के लिए टिश्यू को रखोगे और पानी के अंदर वॉश कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या है कि जो फिक्सेटिव है इट कॉज टिश्यू फिक्स मर्करी क्लोराइड में कंटेन ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ मर्करी। अगर आप क्या है टिश्यू को मर्क्यूरी क्लोराइड से फिक्स करते हो तो वो काला प्रेसिपिटेट देता है टिश्यू के ऊपर। देयर आर थिंग्स रिमूव बाय ट्रीटिंग, और उसको टिश्यू के ऊपर से रिमूव कर सकते हो किस चीज से? 5% आयोडीन सॉल्यूशन इन 70% एथेनॉल सॉल्यूशन से। और कितने मिनट के लिए रखोगे उसको टिश्यू में? 4-5 to 10 मिनट, यानी 5 से 10 मिनट के लिए। एंड देन रिंस विद वाटर, और उसको पानी में वॉश कर लोगे तो क्या है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट चली जाएगी। फिर क्या है, द कलर ड्यू टू आयोडीन, और अगर क्या है आयोडीन के कारण अगर थोड़ा बहुत कलर आ जाता है, इज द डीकोलराइज विद 5% सोडियम थियोसल्फेट फॉर 5 मिनट। तो क्या है उस टिश्यू को आप 5% सोडियम थियोसल्फेट सॉल्यूशन में रखोगे 5 मिनट के लिए, और उसको क्या कर लोगे? वॉश कर लोगे रनिंग वाटर में। नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड। तीन फिक्सेटिव आपने पढ़ लिए, फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ लिया, ठीक है, अल्कोहल पढ़ लिया और मर्क्यूरी क्लोराइड पढ़ लिया। तीसरा क्या है? पिक्रिक एसिड। इट इज आल्सो ए गुड फिक्सेटिव बट कॉज मार्कड श्रिंकेज ऑफ ऑल हैंड नॉट यूज अलोन। ये क्या है? इट इज आल्सो ए गुड फिक्सेटिव, यानी ये क्या है एक अच्छा फिक्सेटिव सॉल्यूशन है, बट कॉज मार्कड श्रिंकेज ऑफ ऑल हैंड्स नॉट यूज अलोन। ये भी क्या है टिश्यू के अंदर श्रिंकेज कोज करता है, और इसीलिए क्या इसको अकेले काम में नहीं लेते, अलोन यूज नहीं करते, इसका सिंगल यूज में नहीं लेते। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोजिवनेस, सो इट इज साल्टेड अंडर ए लेयर ऑफ वाटर। एक्सप्लोजिवनेस का मतलब है उत्तेजना या उत्तेजित, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोजिवनेस, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी खासियत क्या है, टिश्यू को फिक्स जल्दी करता है, और आपको पता है अगर उसको जल्दी फिक्स करेगा तो उसमें क्या आ जाएगी? श्रिंकेज आ जाएगी। इसीलिए सो इट इज साल्टेड अंडर ए लेयर ऑफ वाटर, तो इसीलिए फिक्सेटिव जो प्रोसीजर है पिक्रिक एसिड के साथ वो क्या है पानी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, इट हैज गुड पेनिट्रेशन एंड फिक्स रैपिडली बट इट प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड कंबाइंस विद देम फॉर्मिंग पिक्रेट। इट हैज गुड पेनिट्रेशन, यानी इसकी पेनिट्रेट करने की जो पावर है वो बहुत अच्छी है, एंड फिक्स रैपिडली, और क्या है जल्दी फिक्स करता है टिश्यू को, बट इट प्रेसिपिटेट प्रोटीन, ये क्या है प्रोटीन का अवक्षेप बना देता है, किसके साथ? कंबाइंस विद देम फॉर्मिंग पिक्रेट, यानी ये क्या है प्रोटीन्स के साथ मिलके क्या है पिक्रेट्स बना लेता है। नेक्स्ट, सो द टिश्यू इज ट्रीटेड विद एल्कोहल और रिमूविंग द पिक्रेट, दीज पिक्रेट आर वाटर सोल्यूबल। और इसीलिए क्या है टिश्यू को उन पिक्रेट्स को रिमूव करने के लिए किसके अंदर डाला जाता है? एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, और ये जो पिक्रेट्स फॉर्म करता है वो क्या है वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या पढ़ा कि पहली लाइन के अंदर क्या है, इट इज ए आल्सो ए गुड फिक्सेटिव बट कॉज मार्कर श्रिंकेज ऑफ ऑल हैंड्स नॉट यूज अलोन, यानी यह है क्या है एक अच्छा फिक्सेटिव कंटेंट है, लेकिन ये क्या है अकेले को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है
श्रिंकेज कोज कर देता है टिश्यू के अंदर, कौन सा सॉल्यूशन? पिक्रिक एसिड। सेकेंड लाइन में क्या है, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोसिवनेस, सो इट इज यूज्ड स्टार्टेड अंडर ए लेयर ऑफ वाटर। यानी क्या है, इसकी जो खासियत है, प्रॉपर्टी है, क्वालिटी क्या है इसकी, एक्सप्लोसिवनेस है, यानी ये बहुत जल्दी करता है, उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए क्या है कि इसको काम में किसके अंदर लेते हो आप, पानी के अंदर काम में लेते हो पिक्रिक एसिड को, इसी टिश्यू को फिक्स करने के लिए। इट हैज गुड पेनिट्रेशन पावर, यानी इसकी विभेदने की जो पावर है, किसी चीज को पेनिट्रेट करने की जो पावर है वो क्या है, बहुत अच्छी है। एंड फिक्स रैपिडली, और ये क्या है, टिश्यू को बहुत जल्दी फिक्स करता है। बट इट प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड कंबाइन विद देम फॉर्मिंग पिक्रेट। ये क्या है, प्रोटीन्स को क्या है, प्रेसिपिटेट कर देता है, यानी अवक्षेप बना देता है प्रोटीन्स का, और क्या है, पिक्रिक एसिड के साथ मिलके ये क्या है, पिक्रेट्स फॉर्म कर लेता है। सो द टिश्यू इज ट्रीटेड विद एल्कोहल फॉर रिमूविंग द पिक्रेट। और इसीलिए क्या है, इन पिक्रेट्स को रिमूव करने के लिए आप किसको काम में लेते हो, टिश्यू को किसके साथ ट्रीट करते हो, एल्कोहल के साथ, जिससे क्या है वो पिक्रेट्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए टिश्यू से। और दीज पिक्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल, और ये जो पिक्रेट बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल, यानी पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। चौथा जो फिक्सेटिव कंटेंट है वो क्या है, बफर ओस्मियम टेट्रा एसिड। तो वो क्या है, इट प्रिजर्व सेलुलर डिटेल बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लिपिड इन द मेम्ब्रेन। यानी ये किस तरीके से काम करता है, ये क्या करता है, इट प्रिजर्व सेलुलर डिटेल, यानी ये क्या है, टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं उनकी डिटेल्स को क्या है, प्रिजर्व करता है, यानी बचाए रखता है, नेचुरल कंडीशन में रखता है। और रखता कैसे है, बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लिपिड्स, यानी ये लिपिड्स को क्या है, फिक्स कर देता है इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर। एंड बाय इनसोल्यूबल द प्रोटीन विदाउट देयर कोएगुलेशन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और प्रोटीन्स को क्या है, एगुलनशील कर देता है कोएगुलेशन मैकेनिज्म से। नेक्स्ट, इट इज एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन फॉर सेलुलर एंड देयरफॉर यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट इज एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन का मतलब ये क्या है, बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है फॉर, मतलब के लिए, किसके लिए, सेलुलर के लिए, यानी सेल्स के लिए। एंड देयरफॉर यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसीलिए क्या है, बफर ओस्मियम टेट्रा एसिड को किसके अंदर काम में लेते हो आप, माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर काम में लेते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है कि जो सेल्स की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप काम में लिया जाता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल के क्या है, अपन सेल्स की स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, इट आल्सो फिक्स फैट, देयर यूज इन स्टडी ऑफ माइलिन। इट इज टॉक्सिक एंड हैज लो पेनिट्रेटिंग पावर। इट आल्सो फिक्स, यानी यह क्या है, और किसको फिक्स करता है, फैट को, यानी लिपिड को जो एक्स्ट्रा वसा है उसको। देयर यूज इन स्टडी ऑफ माइलिन, यानी यह क्या है, माइलिन की जो स्ट्रक्चर है, यानी एक्टिन माइलिन या फिर माइलिन जो स्ट्रक्चर है फैट की, उसकी स्टडी के लिए भी इसको काम में लेते हो। बट क्या है, इट इज टॉक्सिक, यह क्या है, जहरीला होता है एंड हैज लो पेनिट्रेशन पावर। और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, यानी टिश्यू को विभेदने की जो पावर है, वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, इट गिव्स ए ब्लैक कलर टू फैट, देन फैट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग 0.5 to 2% एक्वस सॉल्यूशन। यानी क्या है, इट गिव्स ए ब्लैक कलर ऑफ फैट, यानी ये क्या है, फैट को कैसा कलर प्रोवाइड करवा देता है, कई बार ब्लैक कलर। और फैट को डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कौन सा सोल्यूशन काम में ले सकते हो आप, 0.5 to 2% एक्वस सॉल्यूशन काम में लेते हो फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ब्लैक कलर। तो शुरू से देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या है, इट प्रिजर्व सेलुलर डिटेल बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लिपिड। ये क्या है, टिश्यू के अंदर सेल्स है उनकी डिटेल्स को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है, यानी बचाए रखता है, नेचुरल कंडीशन में रखता है, और सेल मेम्ब्रेन्स को, और लिपिड के साथ क्या है, क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म से काम करता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। और बाय इनसोल्यूबल द प्रोटीन विदाउट देयर कोएगुलेशन, और प्रोटीन्स को भी क्या है, इनसोल्यूबल कर देता है, और उनको बिना कोएगुलेट किए, यानी उनको बिना डैमेज
ये, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट, इट इज एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन फॉर सेलुलर एंड देयर फॉर यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी बफर ऑस्मियम टेट्रा एसिड को क्या है, आप सेलुलर यानी सेल्स की स्टडी के लिए काम में ले सकते हो, क्योंकि ये सेलुलर डिटेल को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है। और उसको कहां पे यूज में लेते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट, इट ऑल्सो फिक्स फैट, दे आर यूज इन स्टडी ऑफ माइलिन। ये क्या है, फैट को भी साथ में फिक्स करता है, और माइलिन जो फैक्ट है उसको क्या है, उसकी स्टडी यानी उसका अध्ययन करने के लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं। किसको, बफर ऑस्मियम टेट्रा एसिड को। इट इज टॉक्सिक एंड हैज लॉट पेनिट्रेटिंग पावर। यह है क्या है, थोड़ा जहरीला होता है, और क्या है इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है यानी किसी टिश्यू को भी भेदने की पावर है, उसको फिक्स करने की जो पावर है वो क्या होती है, लो होती है यानी कम होती है। इट गिव्स ए ब्लैक कलर टू फैट, देन फैट इज डिमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग 0.5 to 2% एक्वस सॉल्यूशन। यानी अगर आप फैट को फिक्स करोगे तो ये क्या कर देता है, उसको ब्लैक कलर प्रोवाइड करवा देता है। उस ब्लैक कलर को वापिस हटाने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, 0.5 to 2% एक्वस सॉल्यूशन को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रलडिहाइड। तो ये क्या है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। यानी न्यूट्रलडिहाइड जो फिक्सेटिव कंटेंट है या लिक्विड है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। इट्स प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी क्वालिटीज है वो किसके सिमिलर है, किसके जैसी है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड के जैसी। यानी जो सबसे पहला फिक्सेटिव कंटेंट था अपना फॉर्मेल्डिहाइड, उसी के सिमिलर इसकी क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, इट्स यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ विद ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी। और इसको काम में कैसे ले सकते हो आप, इसको किसके साथ कॉम्बिनेशन में काम में ले सकते हो, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ इसको कंबाइन करके आप काम में ले सकते हो, और किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के अंदर यानी सेलुलर की स्टडी के अंदर इसको काम में लिया जा सकता है, न्यूट्रलडिहाइड फिक्सेटिव कंटेंट को। नेक्स्ट, इट हैज द बफर एंड मोर पेनिट्रेशन पावर देन ऑस्मोटिक ऑक्साइड। ये क्या है, एक तो बफर के जैसे काम करता है और मोर पेनिट्रेशन पावर देन ऑस्मोटिक ऑक्साइड। और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है यानी विभेदने की जो क्षमता है वो क्या है, ऑस्मोटिक ऑक्साइड यानी ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से क्या है, ज्यादा है। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रलडिहाइड। तो ये इट बिलोंग, सबसे पहले क्या है, न्यूट्रलडिहाइड। तो ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। सेकंड लाइन में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके सिमिलर है, फॉर्मेल्डिहाइड के सिमिलर है। और इसको काम में कहां पे लेते हो आप, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ कंबाइंड काम मिक्स करके इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर काम में लेते हो, सेलुलर कंपोनेंट की स्टडी के लिए। और ये क्या है, एक बफर है, और इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट जो आपका फिक्सेटिव है वो कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अभी तक आपने क्या है, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा है, दूसरा एल्कोहल, तीसरा मर्क्यूरिक क्लोराइड, चौथा क्या था आपका, पिक्रिक एसिड, पांचवा जो फिक्सेटिव कंटेंट था वो था ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और छठा जो फिक्सेटिव कंटेंट था वो क्या है, न्यूट्रलडिहाइड, और सातवां क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्या है, इट इज ए साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव एंड हैज गुड पेनिट्रेशन या गुड फिक्सेशन पावर फॉर लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। ये क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव यानी सेल्स को फिक्स करने के लिए या साइटोप्लाज्म को फिक्स करने के लिए क्या है, अच्छा फिक्सेटिव है। और इसकी पेनिट्रेशन पावर है यानी फिक्सेशन पावर क्या है, बहुत अच्छी है, किसके लिए, लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड के लिए। नेक्स्ट, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर फिक्सिंग फॉस्फोलिपिड एंड डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
यह क्या स्पेशली किसको फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी फोस्फोलिपिड को, फोस्फोलिपिड्स को फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। फोस्फोलिपिड आपको पता है कि सेल्स की स्ट्रक्चर को, उसकी मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के अंदर काम में आती है, उनको बनाने के अंदर काम में आती है। एंड डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एंड शेप को देखने के लिए भी पोटेशियम डाइक्रोमेट को काम में लिया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी काम में लिया जाता है। द टिश्यू विद पोटेशियम डाइक्रोमेट शुड बी वॉश्ड थ्रोली द वाटर बिफोर ट्रीटिंग द एल्कोहल और एसीटोन बिकॉज इट फॉर्म ऑक्सीडाइज विद एसीटोन और एल्कोहल विच इंटरफेयर द स्टेनिंग। यानी अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट से किसी बायोलॉजिकल टिश्यूज को या किसी सेल को आप फिक्स करोगे तो उसको बाद में क्या करोगे, उसको वॉश करोगे किससे, पानी से, एल्कोहल के साथ, यानी एल्कोहल के अंदर डालने से पहले, क्योंकि अगर ये एल्कोहल के अंदर काम एल्कोहल से मिल गया तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसके साथ, एसीटोन बना लेता है, और जिससे क्या हो जाता है कि वो स्टेनिंग के अंदर इंटरफेयर करता है। तो शुरू से देखिए पहला स्टेप क्या है, इट इज ए साइटोप्लाज्मिक प्रिजर्वेटिव एंड हैज ए गुड फिक्सेशन पावर फॉर लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। यानी ये साइटोप्लाज्म को फिक्स करने वाला फिक्सेटिव कंटेंट है और इसकी फिक्सेशन पावर क्या है, बहुत अच्छी, लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड के लिए। इट स्पेशली यूज फॉर फिक्सिंग फॉस्फोलिपिड एंड डिमोन्स्ट्रेटिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यह स्पेशली फॉस्फोलिपिड को फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को फिक्स करने के लिए काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर होगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर ऑन रिएजेंट्स यूज इन फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन के अंदर कौन से सॉल्यूशन किस तरीके से तैयार करके और उनको कैसे काम में लिया जा सकता है। थैंक्स टू ऑल।